हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी आंसर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, वीवो अपना V21 5G स्मार्टफोन इंडिया में कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाला है। इनफैक्ट इसकी इंडिया लॉन्च डेट की अगर हम बात करें, 29th ऑफ अप्रैल को यहां पर रखी गई है, लेकिन आज डेट है यहां पर 27th ऑफ अप्रैल एंड फाइनली ये स्मार्टफोन जो है मलेशिया में लॉन्च हो चुका है। सारे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन यहां पर बाहर आ चुके हैं, प्राइस पॉइंट बाहर आ चुकी है एंड इंडिया प्राइस पॉइंट भी यहां पर लीक हो चुकी है। सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। अभी कुछ ही घंटे पहले हमने जो है अपकमिंग स्मार्टफोन, चूंकि मई 2021 में जो है आपको इंडिया में देखने को मिलने वाले बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्चेस देखने को मिलेंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि भाई मई में कौन कौन से स्मार्टफोन इंडियन मार्केट्स में आने वाले हैं, तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वीवो V21 5G स्मार्टफोन के बारे में। तो इंडिया में 29th ऑफ अप्रैल को यहाँ पर यह स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। वैसे आज के दिन यहां पर ये मलेशिया में लॉन्च हो चुका है। चलिए फटाफट से मैं आपको यहां पर ये स्मार्टफोन के पूरे 100% कंफर्म स्पेसिफिकेशन यहां पर बता देता हूं। बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये Vivo V20 जैसा ही डिजाइन देखने को मिलता है। फ्रंट में और बैक में आपको ग्लास मिल जाता है, बीच में जो फ्रेम है वो आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है। दिखने में फोन काफी जबरदस्त है, लेकिन ये स्मार्टफोन की कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ 7.29mm की थिकनेस के साथ में देखने को मिलेगा। काफी स्लिम स्मार्टफोन है, काफी लाइटवेट स्मार्टफोन है, काफी कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है। तो जो भी लोगों को यहां पर हल्का स्मार्टफोन, पतला एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर चाहिए था, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको 6.44 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलेगा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। AMOLED डिस्प्ले का यहां पर इस्तेमाल करा गया है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में। रैम रोम की अगर हम बात करें, तो जो बेस वेरिएंट है बताया जा रहा है 8128 से यहां पर इंडियन मार्केट्स में स्टार्ट होगा। UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलेगा एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप भी देखने को मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो यहां पर काफी ज्यादा अपग्रेड करा गया है एज कंपेयर टू V20 के कंपैरिजन में। यहां पर आपको देखने को मिलेगा Dimensity का 800U वाला चिपसेट, जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है, काफी एफिशिएंट चिपसेट है एंड सबसे बड़ी बात कि ये 5G चिपसेट है, डुअल 5G को सपोर्ट करता है। तो परफॉर्मेंस यहां पर आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी एंड फ्यूचर प्रूफ भी आप इसे कह सकते हो। कैमरास की अगर हम बात करें, जो कि ये स्मार्टफोन का हाइलाइटिंग फीचर है, बैक में यहां पर आपको ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिलेगा। 64MP का प्राइमरी सेंसर है, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2MP का मैक्रो कैमरा है, OIS का यहां पर सपोर्ट मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें, तो 44MP का आपको सिंगल सेल्फी कैमरा मिलेगा, उसी में यहां पर भी आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो बैक में तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन मिल रहा है, सेल्फी में भी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि काफी बढ़िया बात है। स्पेशली जो लोग अपने स्मार्टफोन से व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, स्पेशली जिनके पास DSLR वगैरह नहीं है, डेफिनेटली वो यहां पर ये स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। काफी सॉलिड सेल्फी कैमरा यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 मिल जाएगा। फ्रंट टच OS पे यहां पर ये रन करेगा। सेंसर्स यहां पर आपको सारे देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर। सैडली 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट नहीं मिलेगा एंड बॉटम फायरिंग सिंगल स्पीकर आपको देखने को मिलेगा। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको 4000mAh की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में एंड यहां पर आपको 33W का फास्ट चार्जर जो है बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये पूरे स्पेसिफिकेशन जो है आपको Vivo V21 5G स्मार्टफोन में इंडिया में देखने को मिलेंगे। अब प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जो आप मलेशियन प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो 1599 जो मलेशियन रिंगेट है उसमें यहां पर ये लॉन्च हुआ है। इंडियन प्राइस पॉइंट में हम कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड 29,000 रुपीज बैठता है। और इंडिया प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इंडिया में डेफिनेटली 99.9% कंफर्म है कि 30,000 रुपीज की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। 29999 ऐसी कुछ प्राइस पॉइंट देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपका 30,000 रुपए का बजट है, बेस्ट सेल्फी कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए OIS के साथ में, पतला स्मार्टफोन चाहिए, लाइट वेट स्मार्टफोन चाहिए, डिजाइन काफी जबरदस्त चाहिए, AMOLED डिस्प्ले चाहिए, 5G की कनेक्टिविटी चाहिए, डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए, तो डेफिनेटली आप यहां पर ये स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं। वैसे भी 29 तारीख को, मतलब 2 दिन बाद ही यहां पर इंडियन मार्केट्स में लॉन्च होगा। 30,000 रुपए की रेंज में आपको स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 30,000 रुपए के हिसाब से आपको यहां पर इसके फीचर्स कैसे लगे एंड क्या आप ये स्मार्टफोन का इंडिया लॉन्च का वेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर ये स्मार्टफोन के साथ में, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।